यह है राज शमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डू यू नो इंडिया में सेक्सुअल प्लेजर प्रोडक्ट्स आर इलीगल टू सेल? No, not. No. The criteria is that the advertising or the product imaging should not be obscene. Now, obscene is a very subjective word. Okay. So आप फंस भी सकते हैं, नहीं भी फंस सकते हैं। जैसे अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ, I work with this brand called Love Depot and I create educational videos for them. और उन्होंने मेरे को कुछ सामान भेजा था वीडियो बनाने के लिए। There was a very small, इतना बड़ा सा वाइब्रेटर, उसमें बुलेट वाइब्रेटर बोलते हैं उसे। एंड मैं भूल गई कि मेरे सूटकेस में वो पड़ा हुआ है। अब इलाहाबाद में जब आप फ्लाइट लेते हैं तो आपका चेक इन बैगेज स्कैन होता है, इंदौर में भी होता है। अब स्कैन पे वो मुझसे कह रही है आपके बैग में बैटरी है। ये बैटरी नहीं, हेड ड्रायर समझ रहे हैं आप, वो हेड ड्रायर है। चल नहीं बैटरी है। चीपो थोड़ी देर हुई, कहती है बैग खोलिए। कौन सी बैटरी है? अब बैग खोला तो उसमें से निकला अच्छा, इलाहाबाद में CRPF स्टाफ मैनेज करता है एयरपोर्ट। निकला एंड आई वाज जस्ट लाइक अरे बुलेट वाइब्रेटर, एंड शी ओनली हर्ड बुलेट। अब वो तो पैनिक में चली गई। ये क्या है? मैंने कहा मैम मसाजर है। मसाजर? कहती कौन सा मसाजर है? वो समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैम नेक मसाजर है। कहती है इतने छोटे से मसाज कैसे होगी? थैंकफुली सम CRPF पीपल रिकग्नाइज मी बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेंट ओवर देयर। तो दे वर लाइक अरे ये तो डॉक्टर क्यूट्रस हैं। बात डिफ्यूज हो गई वहाँ पे, बट आई हैड टू एक्सप्लेन व्हाट अ पर्सनल मसाजर इज। बट वो ऑब्सीन नहीं दिखता है ना, इतना छोटा सा है, तो मैं फंसी नहीं। बट वही अगर पीनस के शेप का होता, so it's up to them to decide what is obscene or not. Okay, so मतलब अगर मैं एक वाइब्रेटर जो पीनस के शेप का दिखता है वो अगर बेचता हूँ तो मुझे जेल हो सकती है। जेल होगी कि मतलब मुझे नहीं पता, मतलब इलीगल प्रॉब्लम होगा। If somebody objects to it, if somebody who is in the position of power finds it obscene and makes a complaint against you, and the jury decides कि obscene है, फिर हाँ ये तो बहुत ही थिन लाइन है। मतलब ये टेक्निकली जिसको फंसाना है फंसा देगा। एंड इंडिया में आई थिंक आई रेड दिस स्टैट रिसेंटली 600 करोड़ का मार्केट है प्लेजर प्रोडक्ट्स का। या एंड इंपोर्ट होता है सब। सो टेल मी लाइक इट्स नॉट इलीगल बट इट्स जस्ट कि ऑब्सीन है। ऑब्सीनिटी लॉज है इंडिया में, एंड दैट्स आल्सो अनदर ब्रिटिश रेमिनेंट, यू नो दिस ऑब्सीनिटी लॉ। क्या है कि यही मतलब ये ब्रिटिश उसका है कि उस टाइम पे एक ऑब्सीनिटी लॉ हुआ करता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, जो आज हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आएगा। ये पता नहीं, मुझे नहीं पता, लॉज में आता है। मुझे थोड़ा सा भी दिखता है कि इसमें इलीगल लीगल का कुछ भी होगा, मैं दूर रहता हूँ। एब्सोल्युटली नो दैट्स लाइक मुझे दिन लाइंस में भी जाना, मुझे सोचना भी नहीं है। ग्रेट, थैंक यू ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।